सो वेरी वेलकम टू माई चैनल। एक डिमांड था कि कंप्यूटर साइंस का भी लेक्चर का एक वीडियो बनाइए, तो उसी डिमांड पे एक वीडियो लेके आए हैं। बीपीएससी लेक्चर कंप्यूटर साइंस, इसका देखिएगा विज्ञापन संख्या जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 4022 2020। ठीक है, सब आसपास का है, जैसे इलेक्ट्रिकल जितने भी प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, सबका वैकेंसी साथ में थी। एक और था आपका इसके साथ पहले वाला 52 है 2020, याद हो किसी को, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस का था। ठीक है, जिसमें 34 सीटें थी, तो याद रखिएगा ये बातें। देखिए पहले, इससे पहले कि कुछ हम लेक्चर के बारे में बताएं, आपको थोड़ा एक नया चीज़ बताते हैं। जैसे आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, मैं, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, कंप्यूटर साइंस में जो एम टेक है उनके लिए बता रहे हैं। ठीक है, जो एम टेक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर मान लीजिए लेक्चरर में नहीं भी होता है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए 208 सीटें हैं, जो नया वैकेंसी आया है 9/2022 है शायद, उसका एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। तो आप क्या करिए, पूरे फोकस रहिए एग्ज़ाम्स पे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए लेक्चरर से आसान है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लेना। ठीक है, इसे बहुत ईजी है इन माई ओपिनियन, सबका अपना अपना भी थिंकिंग हो सकती है, बट मेरे ओपिनियन में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लेना इजी है इन कंपेरिजन टू लेक्चरर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बातें कि आप फोकस करिए उस पर। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 30 मैथ क्वेश्चन होता है आपका और 50 क्वेश्चन आपका टेक्निकल होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस जहाँ तक मुझे पता है, कंप्यूटर साइंस वाले के मैथ तो अच्छा ही होता है ना, अगर मैथ अच्छा नहीं होता कोडिंग करना भी टफ है, तो मैथ लगभग सबका अच्छा ही होता है। आप टारगेट रखिए कि मैथ क्वेश्चंस को अच्छा कर लें, और तो आपका सिलेक्शंस इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आप मैथ पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर टेक्निकल तक कुछ भी करिएगा तो 25 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं टेक्निकल में, मिनिमम 25 मिनिमम बोल रहे हैं। अगर जो एवरेज बच्चे होंगे वो 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आउट ऑफ 50, तो अगर 25 ही करेक्ट करते हैं, अगर मैथ में आपका 25 करेक्ट है तो आपका 50 मार्क्स आ जाएगा, 50 क्वेश्चन करेक्ट मीन्स 25 मार्क्स आ जाएगा। अगर 25 से 27 मार्क्स है आपका किसी भी कैटेगरी से, देन आप सेफ जोन में डायरेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 से 14 नंबर एकेडमी जुड़ेगा, आपको 40 मार्क्स आ जाता है। उसके बाद आपको अगर 5 से 10 मार्क्स इंटरव्यू में दे दी, 5 to 7 मार्क्स इंटरव्यू में मिल गया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम लेक्चर का एग्जाम दिए, ब्रांच नहीं बता रहे हैं, तो मेरा 28 मैथ का अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मेरा प्रिंट नहीं हो पाया था, उसमें से हम 23 करेक्ट कर लिए थे। ठीक है, 23 क्वेश्चंस मेरा करेक्ट है मैथ्स का। तो मैथ का पेपर इतना टफ नहीं होता है, और स्कोरिंग और सिलेक्शन वाला है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, इस वैकेंसीज पे भी फोकस रखिए। ठीक है, अब आते हैं इस पॉइंट पे, जो लेक्चर्स कंप्यूटर साइंस है इसमें टोटल सीटें हैं 86। टोटल सीटें कितनी हैं? 86। ठीक है, इसमें जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें टोटल स्टूडेंट अपेयर हुआ था 1084, इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है 1-2। टोटल कैंडिडेट अपियर हुआ था कितना? 1084। ठीक है, इसके बाद एग्जाम डेट साथ में हुआ था 27th। ठीक है, 27th September 2022। सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सब का एग्जाम साथ में था 27th September 2022। रिजल्ट पब्लिश हुआ होगा वही 12-16 November 2022, और इंटरव्यू का डेट होगा बिफोर 10th December, सबका इंटरव्यू हो गया था। ठीक है, तो ये था आपका वैकेंसी से रिलेटेड बातें, कि टोटल सीटें थी 86, और इसमें आपका एग्जाम में टोटल कैंडिडेट जो अपियर हुए थे वो था आपका 1084, और एग्जाम का डेट था आपका 27th September। रिजल्ट पब्लिश हो गया था, फिर आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था। उसके बाद देखिए क्या हुआ था, इसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल कितना, ये पॉइंट है, इंटरव्यू के लिए अराउंड 120 को कॉल किया गया था इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू के लिए टोटल कॉल किया गया था 120 के आसपास, और फिर इंटरव्यू के बाद आपको
सॉरी, ये इंटरव्यू के लिए जो कॉल किया गया था, कोई डिस्टर्ब हो गया, रुकिए एक सेकेंड। टेक्निकल प्रॉब्लम, वर्किंग नहीं कर रही है। आगे सही हो गया, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू एग्जाम का डेट पता चल गया, टोटल कैंडिडेट 1000 था, टोटल 1000 के आसपास, प्लस ही था माइनस नहीं। टेक्निकल इशूज, ठीक है, आप सही हो गए। टोटल कैंडिडेट आई थिंक था 1059, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए 1059। और इसमें जो शॉर्ट लिस्ट किया गया था, टोटल 120 नहीं था, 200 प्लस था आई थिंक, 284 के अराउंड। चेक कर लीजिएगा इसको एक बार, 284 को कॉल किया गया था इंटरव्यू के लिए, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट हुआ था इंटरव्यू के लिए। इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट का डेट था, आपको 3 बार कैलेंडर पता ही होगा, अब फाइनल जो डेट था 1 मार्च 2023 का था। इसमें साथ में था आपका कंप्यूटर साइंस के साथ था एसी का, और आपका सिविल का भी था इसी दिन, और एक आप था इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इन चारों का रिजल्ट का था आपका एक साथ, बट इसमें से एक का रिजल्ट हुआ है अभी तक। किसका रिजल्ट दे दिया है? असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट आ गया है आपका। आप जो भी रिजल्ट बचा हुआ है लेक्चरर का ही है, उसमें से है आपका सीएससी कंप्यूटर साइंस आपका, फिर है सिविल, और एक है आपका ईसी, ठीक है। इन तीनों ब्रांच का रिजल्ट आने वाली है, जब भी देगा आज ना कल, 1-2 दिन के अंदर दे देना चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट की रिगार्डिंग अब जाते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, ठीक है। कुछ कट ऑफ के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए अभी कट ऑफ इसका तो लेक्चरर का थोड़ा प्रिडिक्ट करना थोड़ा टफ है। इनका रीजन्स है कि अभी तक किसी भी ब्रांच का लेक्चर का रिजल्ट नहीं दिया। अगर किसी भी ब्रांच का दे दिया रहता तो उससे हम लोग डिसाइड कर पाते कि बीटेक। देखिए मेन प्रॉब्लम्स क्या है इस लेक्चरर और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में, मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात है कि इसमें है आपका बीटेक और इसमें है आपका एम टेक, ठीक है। तो अगर किसी एक ब्रांच का भी रिजल्ट आ जाएगा तो उसे ये आइडिया लग जाएगा कि बी टेक के स्टूडेंट कितना सेलेक्ट हुए हैं और एम टेक के स्टूडेंट कितना सेलेक्ट हो रहे हैं ना, तब हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअल कट ऑफ का क्या रेंज हो सकती है। बट ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है किसी भी ब्रांच का, तो इसीलिए श्योर नहीं कर सकते हैं। जैसे पोल होता है तो पोल में आपको 2 से 5% दिखाता है कि एम टेक के स्टूडेंट सेलेक्ट, बट एक्चुअली में कितना सेलेक्ट हो रहा है किसी को नहीं बताया अभी। तो ये पता तभी हो सकती है जब किसी ब्रांच का लेक्चर का एक रिजल्ट आ जाए। अकॉर्डिंग टू दैट वी डिसाइड हाउ मैनी स्टूडेंट सेलेक्टेड इन फ्रॉम बी टेक और हाउ मैनी स्टूडेंट सेलेक्टेड फ्रॉम एम टेक, तो उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा, जस्ट वी कंपेयर विद द प्रीवियस वैकेंसीज। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक जो क्लियर हुआ है 34 सीटी के लिए, और आपका अभी आया है जो वैकेंसी उसमें आपका 208 सीट है, ठीक है। उसमें 34, रीजन क्या था, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज था पहले, कंप्यूटर साइंस नहीं थी, सब जगह मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल और एसी, ये चार ब्रांचेस सब जगह भरा हुआ था। बट 2022 से जो लास्ट ईयर का काउंसलिंग हुई थी उससे आपका सब जगह IoT, जैसे AI का ब्रांच खुला है IoT, ठीक है, डेटा साइंस, ऐसे करके कंप्यूटर साइंस तो है, इसके अलावा इसे ब्रांच लेके आई है, तो अब इसलिए वैकेंसीज बढ़ गई है, इसीलिए इतनी वैकेंसी है। तो उसमें देखिएगा टोटल सीटें थी कितना, 34, ठीक है। तो 34 कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट एग्जाम्स दिया था ये डेटा नहीं है, बट इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था 122 को 34 सीट में, और उसमें से इंटरव्यू में अपियर हुआ था 115, 115 से, ठीक है। इसका देख लेते हैं कट ऑफ, इसी के कट ऑफ के अनुमान लगाएंगे। देखिए ये है असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपको बताएं 22 20 का है, ठीक है। तो इसमें कैटेगरीज वाइज था, मेल कैंडिडेट फीमेल, देखिए ये UR कैटेगरी, EWS, SC ST, EBC, BC, और ये BC लेडीज, ये याद रखिएगा हॉरिजेंटल है, 3% रिजर्व रहता सीटें। जैसे आपका अभी लेक्चरर में है 36 सीटें हैं, तो इसका 3% सीट स्पेशल BC कैटेगरी का जो लेडीज रहेगी या गर्ल्स हैं उनके लिए है, ठीक है। इसमें कटअप देखिएगा,
यूआर कैटेगरी का, देखिए ये वाला जो पहला कट ऑफ है ये है रिटेन का, ठीक है, और ये वाला है आपका फाइनल कट ऑफ। दोनों साइड कलर से देख सकते हैं, फिर जो व्हाइट कलर दिख रहा है वो आपका रिटेन का कट ऑफ है, और जो ये कलर दिख रहा है आपका ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक। आप लोगों को पता ही होगा कि पैटर्न क्या है, फिर भी एक बार समझा देते हैं कि रिटेन, देखिए रिटेन कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। रिटेन एग्जाम होता है आपका 40, ठीक है, 40% है, डैट मीन्स 80 क्वेश्चन होती है, 0.5 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स यहाँ से लेके आते हैं उसमें से कितना रहा है। इसके बाद आपका है एम टेक का मार्क्स, ठीक है, एम टेक का मार्क्स आपका 5% एड हो रहा है, ये सब लेक्चर की बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका बी टेक का मार्क्स, बी टेक का मार्क्स आपका जा रहा है 10%। इसके बाद है आपका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का है आपका 25 मार्क्स है, ये 5 मार्क्स पर ईयर के बेसिस पे, ठीक है। और एक और है आपका इंटरव्यू था बच्चा, इंटरव्यू ये आपका शायद है 15, शायद या सियोर 15 मार्क्स है, 15 नंबर 20, तो टोटल ऐड करिएगा तो ये हो गया 40 80, ठीक है, 1995, और 5 मार्क्स है आपका पीएचडी, ठीक है, 5 मार्क्स है आपका पीएचडी, टोटल ऐड करिएगा तो यही हो जाता है 100। तो आपका फाइनल कट ऑफ आएगा आउट ऑफ 100, ठीक है, और आपका रिटेन कट ऑफ आएगा आउट ऑफ 40, ठीक है, रिटेन का कट ऑफ आउट ऑफ 40 और फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं, तो याद की कंफ्यूज मत होइए। तो रिटेन में गया था आपका यूआर कैटेगरी का, देखिएगा 22, ईडब्ल्यूएस का 20, एससी का गया था 14.5, एसटी का 16, ईबीसी का 18, बीसी का 21, और बीसी फीमेल का कैंडिडेट नहीं मिला था इसीलिए मिनिमम कट ऑफ डिसाइड, मेल में तो आएगा ही नहीं, सॉरी बीसी फीमेल है। इसके बाद देखिएगा फीमेल कैंडिडेट में यूआर का 20.5, ईडब्ल्यूएस का गया था 17.5, एससी का 12.5, एसटी का कैंडिडेट नहीं मिला, ईबीसी का 17.5, बीसी फीमेल 18, और बीसी एल एक नंबर कम है फीमेल से, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी में। तो ये था आपका रिटेन का कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ गया था आफ्टर एडिंग द ऑल मार्क्स जैसे एक्सपीरियंस, एम टेक, बी टेक, पी एच डी एंड रिटेन मार्क्स, तब आउट ऑफ 100 में से जो कट ऑफ गया था आपका यू आर का 48.5, इसके बाद है आपका ई डब्ल्यू एस का 43.79, एस सी का 35.79, एस टी का 31.41, ई बी सी 36.22, बी सी 45.18, यू आर फीमेल 44.16, ई डब्ल्यू एस फीमेल 39.75, एस सी फीमेल 30.91, एस टी फीमेल कोई भी कट ऑफ नहीं है, कैंडिडेट मिला होगा, ई बी सी कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, इट मीन्स बी सी फीमेल 39.15, बी सी फीमेल स्पेशल कैटेगरीज लेडीज वाला 37.27। तो ये था आपका कट ऑफ किसका, बी पी एस सी का असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस का, जो 2020 34 सीटी के लिए वैकेंसीज थे उसकी कट ऑफ थी। तो आपका लेक्चरर का कट ऑफ इसी के आसपास आप मान सकते, देखिए कितना भी जाएगा ना, तो प्लस माइनस इसको आप 2 कर सकते हैं, इससे वेरी कभी नहीं करेगा, इम्पॉसिबल है वेरी करना। जनरली मेरे ओपिनियन है कि किसी भी ब्रांच में असिस्टेंट प्रोफेसर से एक कम ही जाना चाहिए मेल कैंडिडेट का, ठीक है, फीमेल में ज़्यादा वेरिएशन आएगा रीजन से कि फीमेल कैंडिडेट सी एस सी हो कोई भी वैसे भी, तो सी एस सी डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट 100% है सब कॉलेजेस में, तो गर्ल्स आपको एम टेक, ठीक है, और वो भी सी एस सी में मिलना थोड़ा ये है, खाली बैठे हुए हैं जो प्रोफेसर बनना चाहती कम है, बट यहाँ पे क्या है ना लेक्चरर वाले में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे बी टेक क्वालिफिकेशन है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज होने की चांस ज़्यादा रहती है, इसलिए थोड़ा वेरिएशन आएगा गर्ल्स में ज़्यादा इन कंपेरिजन टू द बॉयज कैंडिडेट, ठीक है, मेल कैंडिडेट। तो ये याद रखिएगा, बाकी मोर एंड लेस प्लस माइनस 2 कर दीजिएगा, इससे ही कट ऑफ रहेगा, इससे एक नंबर भी चेंज नहीं होगा। जाते जाते आप लोगों को वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग प्रिपरेशन करिए, मैथ में अगर कोई भी सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कहाँ से क्या पढ़ना है। देखिए मैथ में आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं मारना है, ठीक है, आप टॉपिक को देखिए, आपके सिलेबस जैसे सिलेबस में लिखा हुआ है, देखिए सिलेबस में लिखा हुआ है गेट सिलेबस, ठीक है,
गेट सिलेबस देख लीजिए आप, आपका जो सीएससी का गेट सिलेबस होगा, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है सिंपल सी लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आ रहा है इसमें कि आपको वही चीज़ आता ही है। जैसे आप एक है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िएगा हायर डिग्री वाला, तो आप उसका रिजल्ट याद रखिएगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे 1D का है, 2D का है, तो इस तरह का रिजल्ट ही याद रखिए, बिकॉज आप एग्जाम में जाके डिराइव नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। और ऐसा क्वेश्चन कभी गेट में आया नहीं है, ठीक है, गेट से ये आउट ऑफ स्टेशन है, बट यहाँ पे पूछा गया, आप देखिएगा चेक करके जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर का डिफरेंट डिफरेंट मैथ का पेपर, तो आपको ये सब दिख जाएगा, ठीक है। यही था वीडियो आज का, थैंक यू।